जिनको शब्द की चोट लगी समझिएगा कि वो जागा हुआ इंसान है। माने जागने की स्थिति किसी चोट के मार्फत ही हर इंसान के जीवन में होगी या होती है। A truly awakened person is one who has been struck, hit, wounded by the word, by the power of the word, capital W. और जिनको शब्द की चोट लगी उनका नाम जाहिर है। And in history, it's only those people who were truly struck by the power of the word, whose names are still with us. तू क्या जाने पीड़ पर आए? हाँ। अभी समझाऊं क्या आप अभी कुछ? क्या? वैसे कबीर कहते हैं कि कबीर सोई पीर है और जो जाने पर पीर और जो पर पीर न जाने ही सो काफिर बेपीर। इंसान मनुष्य का जन्म धारण करने के बाद में दूसरे के दुख दर्द को दूर करने का काम जितना उससे बन सके उतना कर ले वही पर्याप्त है। इसीलिए शब्द की चोट जिनको लगी उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। वो पहले क्या थे और बाद में क्या बन गए इसका इतिहास इस बात का प्रमाण करता है। वाल्मीकि को देख लें जिन्होंने रामायण की रचना की परंतु इसके पहले वो बिल्कुल डाकू थे। तुलसीदास जी को देख लें मानस की रचना जब करी जब उनकी पत्नी का बाण उनको लगा तब। गोरखनाथ को देख लें उनकी पत्नी पिंगला से उनका बहुत प्रेम था और अमर फल के किस्से से जब उनको मालूम पड़ा कि मैं इतना विश्वास करता हूँ और भर्तरी महाराज जो उज्जैन में रहे तो अमरफल के किस्से से उनकी पत्नी से उनका विश्वास हटा और बस उसके बाद में उनका वैराग्य उन्होंने धारण कर लिया। तो यह ना किसी भी बात की ऐसी चोट लग गई उससे उसके जीवन में परिवर्तन हुआ ये इस बात का इस भजन में है। So this song talks of all those personalities in history who were truly struck by the word and what they gave up as a result of it. And he is giving examples of Valmiki who wrote the Ramayana, who was struck by the words of his wife and he got converted from being a bandit to being a transformed person. Tulsidas was struck by the words of his wife and he wrote the Ramcharitmanas. And the third example he gave was Raja Bharatri who of Ujjain who was betrayed by his wife actually and given this life-giving herb by a prostitute in his town and he was so moved by that whole incident, it's a long story, that he gave up his kingdom and took to the streets. वैसे इन सबको चोट लगी महिलाओं की बात पर। It's important to note that all these men got transformed because of the word hit that struck them by women. So this song says तू क्या जाने पीड़ पर आई शब्द की जान लागी होए सो जान जे। What do you know of the pain of others? If you are truly struck by the word, then you will know, my friend, the pain of others. Hey, ji, Kabir khade bazaar mein, aur sabki chahe khair. Ar na kahun so dosti, aur nahi kahun so bair. तो कबीर आप ठगाइए न और न ठगवे को अरे आप ठगे सुख होते हैं और ठगे दुख हो है जी कबीर सोई पीर है और जो जाने पर पीर अरे जो पर पीर न जाने और सो का फिर बेपी पर
गेला में यो घायल घूमे रे घाव नजर नहीं आई रे आई रे आई रे आई आ गेला में यो घायल घूमे घूमे घाव नजर नहीं आई ज्ञान का मठा पेरी बेटा ज्ञान का मठा हाँ पेरी बेटा है भजनों की भीड़ रड़ाई लाडी होए तो जान जो रे भाई शब्द की लगी लगी होए तो जान जो रे भाई तू नहीं जाने पीर पराई शब्द की अंकाने लागी बंकाने लागी 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 सदन कसाई 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 हाँ अंकाने लागी 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 सदन कसाई हाँ पलक बुखारा ने ऐसी लागी हो पलक बुखारा छोड़ी दी दिया बादशाही सदा लागी होए तो जान जो रे भाई शब्द की लगी लगी होए तो जान जो रे भाई तू नहीं जाने पीर पर आई शब्द की नहीं जाने पीर पर आई भजन लागी प्रहलाद ने लागी 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 मीरा बाई रे बाई रे बाई रे बाई यहाँ पर जो प्रहलाद आया वो मैं नहीं हूँ वो कोई और रहे The Prahlad referred to in this stanza is not me, he's saying. He's another character in history. हाँ धोने लागी प्रहलाद ने लागी 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 मीरा बाई हाँ गोपी चंद भरत ने ऐसी लागी हो गोपी चंद भरत ऐसी लागी अंग में भस्म रमाई कब लगेगी वो लगने पर हम किसको जगाने लगेंगे ये बात है हाँ पांच ने मारे पच्चीस बस कर ले वो अनगढ़ ले वो जगाई 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 अनगढ़ को जगाने की बात करिए अनगढ़ जो घड़ने में नहीं आता पर हम सब घड़ने वाले को जगाने में लग गए घड़ी हुई चीजों को जगाने में लग गए So this stanza says, when you bring the 5 and the 25 in your control, the 5 senses and the 25 sense objects, that's when you'll awaken the formless in you. Haan, paanch ne maare, pachis bas kar le wo, anghad le wo, jagai, 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 jagai. Hey, kahe kabir, suno re bhai saadho, kahe kabir, suno re bhai saadho. Yeah, sunne mein dhaja hai phera.
That song ended in a beautiful image which said that if you awaken the formless, you will hoist or unfurl the flag in the peak of emptiness, shunya. और जिनको लग गई शब्द की चोट, वो ही जागा हुआ इंसान है. इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं सोई अवस्था रही. So if you're truly, what did he say? That if you are struck by the word, then you awaken. Till then, you're unconscious. You're fast asleep actually. And this song, हाँ जी, sorry. क्योंकि हम सोने का काम ज़्यादा करते हैं. We spend much of our life sleeping, I'm afraid. कबीर कहते हैं कि दिवस गमाया खाए के और रेण गमाई सोए और हीरा जन्म अमूल था और कोड़ी बदले खोए. इसका मतलब ये कि खाना और सोना ज़्यादा होता है. So Kabir says, you squandered your day eating and you frittered away your night sleeping. You had a jewel of a human birth and you threw it away like it was a pebble. इसलिए हर इंसान के जीवन में सोने की अवस्था के बारे में कबीर ने चित्रण किया है कि इंसान जन्म से लेकर मरने तक कहां कहां सोता है और कैसे सोता है. So this is a beautiful song that just takes you through the various life stages. In which Kabir demonstrates rather humorously how in every stage of your life you were asleep. He says, "Ghana din so liyo re, ab to jag musafir jag." You've spent too many days fast asleep, my friend. Now wake up, traveler. He calls you a traveler, musafir. And the first stanza says, "Pehle soyo mata ke garab mein." First you slept upside down, hanging in your mother's womb, and you were born. Janam tharo ho gayo re. Then the second stanza says, then you next you slept in the lap of your mother and badhao tharo ho gayo re. You were initiated. The third stage, he says, you slept in the arms of your beloved. Biyah tharo ho gayo re. You got married. And then he ends by saying, ab ek hi sona baki hai. Now there is only one sleeping left to be done, my friend, and that's the sleeping on the cremation ground, stretching your legs long. Chita ko sono baki rahi gyo. That's the only sleeping left. And maran tharo ho gayo re. You died, you copped it. And Kabir says, Kabir kahe khub jagan ki thare. Kabir is telling you again and again, wake up, wake up. Jagyo nahi gamar. You didn't wake up, you fool, you idiot, you gamar. दिवस गमाया खाई के जीरे एरे रे और रेण गमाई सो हीरा जन्म अमोल था और कोड़ी बदले खो. क्यों हंसा तू तो सबल था और हल्की तेरी चाल अरे रंग कुरंगे रंग लिया और बहुत किया लगवा. So oh my swan, you were so strong, your step or your gait was so light, but you wrapped yourself in a million colors, negative colors, and just dragged yourself down with all these lagwal, these attachments. Jag mu
अरे कॉल किया था भजन करूँगा, कॉल किया है सतनाम करूँगा, बाहर आकर भूला जन्म का हो गयो रे, अब तुम जाग मुसाफिर जाग जन्म थारो, हो गयो रे, अब तुम जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे, अब तुम जाग मुसाफिर जाग। पहला सोना निकल गया, दूसरा सोना आ तुझे सोयो माता की गोद में, अरे दूध प्यार मुस्काया, माता ने क्या किया, अरे मल मूत्र तेरा धोया, और ऐसी बहन बुआ थार लाड लड़ावे, बहन बुआ घर लाड लड़ावे, झूला दिया बधाई बताओ थारो, हो गयो रे, अब तुम जाग मुसाफिर जाग बताओ थारो, हो रहो रे, अब तुम जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे, अब तुम जाग मुसाफिर जाग। तीसरा सोना आ तीजे सोयो तिरिया की सेज पे, अरे गले में बैया डारी, तीजे सोयो तिरिया की सेज पे, अरे बैया में बैया डारी, अरे मोहम्मद में फंसी गयो तू, मोहम्मद में भूल गया तू, भूल गया सब कोल ब्याव थारो, हो गयो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग ब्याव थारो, हो गयो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। जीवन का अंतिम सोना, हाँ चीता को सोनो बाकी रे रही गयो, हर सब जग लियो है सोई, हाँ चीता को सोनो बाकी रे रही गयो, हर सब जग लियो है सोई, अरे कहे कबीर तारे जागण की रे, कहे कबीर पर जागण की तू, जाग नहीं रे कमार मरण थारो, हो रहो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग मरण थारो, हो रहो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे, अब तू जाग से। इस तरह से भी कहते हैं आ चौथे सोयो जाए शमशाना, अरे लंबा पेर पसारी, हा चौथे सोयो जाए मसाना, अरे
रे लंबा पेर पसारी अरे कहे कबीर थार जागरण की रे कहे कबीर खूब जागरण की तू जागो नहीं रे गवार मरण थारो हो गयो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग मरण थारो हो गयो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग अरे हाँ जाग मुसाफिर जाग भाईला जाग मुसाफिर इस तरह से जाग जाएं और मैं चाहता हूं कि जगाने के लिए आप सब भी हैं वैसे तो आप जागे हुए हैं से आपको क्या जगाएं फिर भी संतों की वाणी जो किसी न किसी प्रकार से हर इंसान को एक चेतना एक जागृति देती है मैं चाहता हूं कि ये गाड़ी शबनम जी पर ला करके छोड़ूं ताकि आगे इस गाड़ी को वो चलाएं आप थोड़ा और गाएं मैं गाड़ी आप तक छोड़ देता हूँ फिर आप आगे जाइए मैं गाड़ी में बिठा करके अच्छा एक स्टेशन से दूसरे तक मैं ले जाऊंगी गाड़ी फिर वापस आप पे आनी ठीक है देखेंगे कबीर ने गाड़ी के माध्यम से भी एक बात कही है और इस जीवन रूपी गाड़ी को इस शरीर रूपी गाड़ी को जरूर आहिस्ता आहिस्ता चलाएं तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता शबनम तक छोड़ दूं और इस गाड़ी के मार्फत मैं आपसे भी निवेदन करूं कि आप भी हमारे मालवा आएं गाड़ी में बैठ करके सो प्रहलाद जी सिंगिंग अ सॉन्ग व्हिच इवोक्स द इमेज ऑफ अ गाड़ी अ बुलक कार्ट इन व्हिच This is a song that really is the chart buster in Malwa, I have to tell you. It's really the song that launched Prahlad ji back home. And there is no program in Malwa that is complete without him singing this song or being asked to sing this song. It says, Zara halke gaadi haanko mere Ram gaadi wale. Kabir says, very gently, move your cart along gently, my friend, because my Ram is riding in this cart. गाड़ी हमारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल सो ही डिस्क्राइब्स दिस बॉडी इज वेरी ब्यूटीफुल दिस कार्ट इज ब्यूटीफुल विद व्हील्स ऑफ रोजी रेड हांकण वाली छेल छबीली बैठन वाला राम देयर इज अ ब्यूटीफुल वुमन एट द रेन्स ऑफ दिस बुलक कार्ट एंड द वन सिटिंग इन इट इज राम हिमसेल्फ एंड द इमेज कंटिन्यूज द कार्ट गेट्स मायर्ड इन मड एंड द गुड वंस गेट अक्रॉस एंड द बैड वंस क्रैश those who did good actions make it across and those who didn't get crashed and then the image becomes darker and darker and the cart image gets left behind and it's obvious that this is a body headed to the cremation ground and ved desh desh ka ved bulaya laya jadi booti you called doctors and herbs were called from all the lands but nothing could fix this body because Ram had left the house and it ends with bilak bilak kar tirya rove woman sobs and cries saying my couple is broken apart is torn asunder says kabir listen seekers the one who joins is the one who breaks jin jodi un todi e ji dheere dheere re mana और धीरे सब कुछ हो यदि मारी सींचे सो घड़ा और ऋतु आवे फल हो स्लोली ओ माय माइंड स्लोली एवरीथिंग हैपेंस अ गार्डनर मे पोर 100 वाटर पॉट्स But the fruit will arrive with the season.
तो एक ही साधे सब सधे और सब साधे इक जाय। यदि माली सीते मूल को तो फूले भले जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले या गाड़ी भारी रंग रंगीली भैया है लाल पड़ी है दूर हाँ बाड़ी अटकी रेत मेरे भाई मजल पड़ी है दूर ही धर्मी धर्मी पार उतर गन पापी चकना चूर भैया हल्के गाड़ी हाथों धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले अरे देश देश का वे बुलाया लाया जड़ी और बूटी हाँ देश देश का वे बुलाया लाया जड़ी और
इस तरह से अब ये गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम शबनम जी करेंगी, और चूंकि ये भी ठीक है। नहीं नहीं, इधर ही आओ यहाँ। I seek your indulgence this evening because I'm not a professional singer at all. Prahlad ji has an incredibly, as all true good gurus would, enabling personality. So it was on my shoots in Malwa that one day I was shooting and he had somehow heard that I sing a little bit, and I try and imitate him in my free time that I'm inspired. So I was shooting, and while I was shooting, I heard him announce on stage that this was an audience of about 5,000 to 10,000 villagers in Malwa. And he said, "Ab hamare beech Shabnam Bhenji do bhajan pesh karengi." So he just took me and threw me into the deep end. So having said that, वैसे क्या है जिसको तैरना नहीं आता है उसको तालाब में या नदी में फेंक दो। So he's So he's saying, if someone doesn't know how to swim, the best thing to do is throw them in the deep end of a lake, and then maybe she'll flail her arms and legs about and try and do something and figure it out. So this is what I'll do. So this is a song about Shabd Ki Chot. It describes the experience of being struck by the word, of being wounded by it. Mahara Sadguru Banya Bhediya, my true guru has pierced me. Mahari Nadi Re Pakadi Ha, he's put his finger on my pulse. Un Nadi Me Leher Upje, in those veins, waves rise. Maharo Hiyo Hilodo Khai, my heart is rocked. Guru Mane Gyan Dai Gya, my guru has given me knowledge. Guru Mane Ghayal Kari Gya, my guru has wounded me. Guru Mane Chetan, guru has awakened me. सतगुरु चढ़े शिकार पे हाथ में लाल कबाण मूरख बच गए कोई मारा संत सुजान। सो माय गुरु इज ऑन अ हंट विद अ रेड बो एंड एरो इन हैंड। मूरख बच गए, द इडियट्स गॉट अवे अनस्केथ्ड, अ ट्रू सेंट वाज स्ट्रक डाउन। तो कोई मारे तोप तीर से हाँ, कोई मारे तोप तीर से और आवे दुआ दस घा। मारा सतगुरु मारे शब्द से जिरे, मारा सतगुरु मारे शब्द मुंडी ने ऊपर पाओ रे 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 रे, तल मुंडी ने ऊपर पाओ। सो सम पीपल वुंड यू विद अ बो एंड एरो और अ कैनन एंड सोर्ड एंड यू योर बॉडी इज कवर्ड इन वुंड्स। माय गुरु वुंड्स मी विद द वर्ड, माय हेड इज ऑन द ग्राउंड एंड माय फीट आर इन द एयर, दैट्स द इफेक्ट। मारा दिल गुरु बनिया
तीन लागे गुरु वो रूहानियत या समझ होती है जो इंसान को चेतना प्रदान करती है, और गुरु का मतलब ही है ज्ञान, गुरु का मतलब है समझ। और जब ये स्थिति बनती है तो ही समझिएगा कि वो सच्चा ज्ञानी है। कबीर कहते हैं कि बात को समझ करके उसको अपने अंतर में सुनना, देखना, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करना, वो ही सच्चे खोजी, सच्चे भेदी का परिचायक है। कबीर इस बात को कहते हैं कि कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होवे झीणी। वो आवाज, वो नाद जो सब के अंदर हमेशा होती है, उसको सुनने की बात करते हैं। और कबीर ने हमेशा उनके पदों में आता कि कहत कबीर सुनो, और सुनने के बाद में साधो। So Kabir's songs lay a great stress on listening deeply and carefully. And in this song, Kabir says, "Koi sunta hai guru gyani, gagan mein aawaz hove jhini." There's a lot of evocation of the sky in Kabir's songs. Certainly the sky as a metaphor of the limitless out there, but this sky dome as well inside our skulls. And he says, "A guru, a wise one, listens. A sound vibrates in the sky. Subtle, very subtle." ए जी थका सो थका फिर देह धारे नहीं, और कर्म और कपट सब दूर किया।
जिन्हें श्वास सुश्वास का प्रेम प्याला पिया और नाम दरियाओ तहां पैसी जिया चढ़ी मथवाल और वह मन साबिता फटक जो फेर नहीं फूट जावे कहे कबीर जिन बास निर्भय किया तो बहुरी संसार में नहीं आवे ऐ जिस बोलते को याद कर ले और जिसका इलाही नूर है अरे जिसने पिंड और प्राण को रचिया सोई तो यहाँ हाल हजूर है और गज राजा तो द्वारे झूलता वही राजा जहूर है उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं तो गाफिल क्रूर है कहे कबीर घट चेत ले और तेरे में तेरा नूर है अरे नूर पर जहूर दरसे तो साहिब ही भरपूर है कैसा साहिब साहिब सबका बाप है और बेटा किसी का नाम अरे बेटा होकर अवतरे और वो तो साहिब ना जीना 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 रे कैसी आवाज और क्यों अरे ओ हम सो हम बाजार बाजे त्रिकुट शब्द निशानी हारे हाँ हाँ ओ हम सो हम बाजार बाजे अरे इंगला रे पिंगला सुखमान जोया इंगला रे पिंगला सुखमान जोया जोया रे जोया से आया नाद बिंद से या जमावत पानी हारे ए वहां से आया नाद बिंद से या जमावत पानी पानी हारे अरे सब घट पूरण बोली रहा है सब घट पूरण बोली रहा है अरे अलग पुरुष निर्वाणी गगन में आवाज होवे जीना जीना से आया पता लिखाया तृष्णा नहीं बुझानी हारे हाँ जी वहां से आया पता लिखाया तृष्णा नहीं बुझानी हारे अरे अमृत छोड़े विषय रस पीवे अमृत छोड़े विषय रस पीवे पीवे रे पीवे अरे उल्टी फांस फसानी गगन में आवाज होवे जीना जीना हारे कोई
देखा दिन जितना हो जग देखा सहज अमरन साणी हारे हाँ हाँ देखा दिन जितना हो जग देखा सहज अमरन साणी हारे अरे कहे कबीर सुनो भाई इसलिए उस आवाज को सुनने की बात करी। एक एक पद में और भी कहा है कि सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता इस मन मंदिर में बाजता तो बाहर सुने तो क्या हुआ। इसलिए उस नाद को उस अनहद को जो सबके अंदर एक जैसी है उसे सुनने का प्रयास करें और जो सुनता है वो सच्चा ज्ञानी है वो सच्चा गुरुमुख है ऐसा कबीर कहते हैं। उन्होंने इन बात को अलग अलग तौर तरीके से कही है। कबीर की उलटवासियाँ के माध्यम से भी उन्होंने कुछ बात कही। इसलिए मेरा जहाँ तक ख्याल है कि समय नज़दीक आता जा रहा है अंतिम एक पद और कबीर की उलटवासी का जिसमें ऐसा है कि एक कुआ है जो बिना जमीन के है और उसमें पनिहारी पानी भरती है तो वो बिना रस्सी से पानी भरती है और वो पनिहारी ऐसी है जिसकी गर्दन भी नहीं है और उसका धड़ भी नहीं है पर वो पानी भर करके लाती है और उस कुएं से ऐसा बगीचा फैला हुआ है हरा भरा और उस हरे भरे बगीचों को चूगने के लिए खाने के लिए पशु पक्षी और जानवर आते हैं मृग आते हैं तो उसकी रखवाली करने के लिए उसका जो रखवाला है वो धनुष बाण लेकर के चलता है शिकारी। वो धनुष बाण लेकर के उसने ऐसा तीर मारा कि वो मृग मर गया और उसका मांस लेकर के वो आकर के अपनी पत्नी को दे दिया और उसको कहा कि तुम बनाओ बिना अग्नि और बिना जल से। परंतु उस मृग को चोट नहीं लगी। मृग को मार करके उसका मांस ला करके ले आया परंतु मृग को कोई चोट नहीं लगी। ये इस तरह का है वो भजन। So, Kabir Prahlaji is going to end on a bhajan which belongs to a whole genre of songs from the Kabir tradition called Ulad Bansi, which is a kind of an upside down verse in replete with reversals of mind-boggling kind of fantastic imageries, which perhaps egg us on to stop using our minds the way we ordinarily do. So this song has the refrain, Shodhu Shabad Me Kaniyari, I search for the word, secret in the word, Bina Dor Jal Bhare Kuen Pe, Bin Sis Ki Wo Panihari. So here's a woman who draws water from a well without a rope and puts it on a headless body and takes it home. And that well waters, the well exists there without a land, and without a land there is a garden, and without a and in this field these predators come, these deer come and they graze there without mouths, and a hunter takes off and kills them, but the deer isn't hurt, and brings home the meat and tells his wife to cook it, but without water or fire or fuel. And Kabir ends the song by saying, Jo in pad ki kare khojna, use samajna brahm gyani. So try and figure this out, my friend, and then I'll consider you a true learned one. खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया तो जगत की भरमना सब दूर भागी। अरे बाहर और भीतर एक आकाशवते और सुषुम्ना डोरी तहां उल्टी लागी। पवन को पलट के सुन में घर किया न घर में अधर भरपूर देखा। अरे कहे कबीर गुरुपुर की मेहर से और त्रिकुटी मध्य दीदार देखा।
ऐ धरती तो रोटी भई और कागा लिए ही जाए। अरे पूछो अपने गुरु से वो कहां बैठ कर खाए। सो द धरती तो रोटी भई, दिस अर्थ टर्न्ड इनटू अ पीस ऑफ ब्रेड एंड अ क्रो फ्लू ऑफ विद इट। गो आस्क योर गुरु माय फ्रेंड, वेयर विल ही सिट टू ईट इट। तो शब्द के मारा गिर पड़ा ने शब्द ने छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तो उनका सर गया काज। वाह सास ननंद के बहु प्यारी, बिन
अग्नि जल रसोई पकाई जी। सास ननंद के बहु प्यारी देखा तो भूख भगी बालम थी हर चतुर नार की चतुराई देखा तो भूख भगी बालम थी माँ चतुर नार की चतुराई सोधु शब्द में कहियारी भई अंत में अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो साधो रे साधो ए ये बात है निर्वाणी कहे कबीर सुनो भाई साधो हाँ जी हाँ ये बात है निर्वाणी इना भजन की करे खोजना हर उसे समझना ब्रह्म ज्ञानी इना शब्द की करे खोजना हर उसे समझना ब्रह्म ज्ञानी सोधू शब्द में कनियारी भई हर ढूंढू शब्द में कनियारी बिना डोर जल भरे कुए पे हर बिना शीश की पनियारी सोधू शब्द में कनियारी भई